हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फन सबीरा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ के साथ हम सब भी ठीक है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ, अभी हो रहा है 12:30। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ करी पकोड़ा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले मैं पकोड़ा बनाऊंगी करी पकोड़ा के लिए। तो इसके लिए मैंने लिया थोड़ा सा बेसन, मैंने इसमें करीब 5 to 6 स्पून लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मेरे घर में पकोड़ा ज़्यादा चाहिए करी में, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और इसमें मैं ऐड करूँगी सॉफ्ट प्याज, दो लिया है मैंने, चॉप कर लिया है, उसको डाल दूँगी। ये भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, पर कई कई लोग प्याज नहीं भी डालते हैं, पर मैं डालूँगी। एक मिनट, मैं मसाला भी डालती हूँ पकौड़ा के लिए, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा 1 पिंच शक्कर जो मैं डालती हूँ, ये ऑप्शनल है। और क्या डालूंगी, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। यहाँ पे 1/2 टीस्पून लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के अभी पकौड़ा का घोल बना लूँगी, उसके बाद तेल गर्म होने के लिए रख दूँगी मैं कढ़ाई। तो कढ़ाई को गर्म होने देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, घोल बना लेंगे। तो ये जा रहे हैं जिम को, तो इसलिए बाय बाय जानो, बाय बाय जान, मुझे बोल रहे हैं डार्लिंग, बाय 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 कोलिदामणि देहामणि। आप बेसन का नॉर्मल पकौड़ा बनाते हैं ना, ऐसे ही बना लीजिए। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप, और मैंने नहीं डाला है, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा। तो मेरे घर में बच्चे हैं और मेरे घर में कोई पसंद नहीं, क्योंकि अगर बाई चांस उनके मुंह में एक पीस भी आ गया हो गया तो उस दिन हमारे घर में महाभारत शुरू हो जाता है। थोड़ा सा मैं बेकिंग सोडा डालने के लिए भी बेकिंग, तो जब तक हमारा तेल गर्म होता है, तब तक मैं करी का जो डालते हैं ना उसको रेडी कर लेंगे। तो मैं अभी इसमें लेंगे 4 टेबलस्पून बेसन, यानी कि ग्राम जो बेसन और दही से ही बनते हैं, ये मेन इंग्रेडिएंट है। तो 2, 3, 4 बस हमें इतना ही काफ़ी है। इसमें मैं डालूंगी अभी मसाला, तो मैं ऐड करूँगी इसमें 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डाल दिया है, 1/2 टी स्पून कश्मीरी मिर्च, ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, 1/2 टी स्पून हल्दी, और थोड़ा सा जीरा भी डालना चाहिए, पर मेरे पास जीरा पाउडर नहीं है तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिए। दही डालूँगी 1 कटोरी, नमक स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी। तो मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो मैं इसमें 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो गया, तो मैं पकौड़ा को फ्राई कर लूँगी। गोल्डन ब्राउन कर लूँगी मैं, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा पकौड़ा फ्राई हो गया है, उसको निकाल लूँगी मैं। तो
यहाँ पर मेरा पकौड़ा फ्राई हो गया तो मैं इसको निकाल लूँगी। इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ जीरा राइस। आप चाहे तो सिंपल राइस भी बना सकते हैं, पर इसके साथ जीरा राइस अच्छा लगता है। मैंने बासमती लिया था, नॉर्मल चावल में भी बना सकते हैं, पर मैंने बासमती लिया है। उसको आधा घंटा पहले अच्छे से धो के भिगो के रखा। देखिए कलर कितना अच्छा है ना, तो इसको मैं रखती हूँ, बाकी को भी फ्राई कर लूँगी। तो जब तक ये पकौड़ा फ्राई होते हैं थोड़ा सा, तो मैं इस साइड में चावल पका लूँगी। अभी हुआ है 120, आज जल्दी बना लूँगी। बनाने लगे मुझे थोड़ा सा काम है करना है। नारियल लेके आए हैं, अभी दूध में निकले गए थे, उसका कुछ कल बनाऊंगी। चिकन और डोसा शायद दो तभी लेके आए, चिकन और डोसा बनाऊंगी। उसको रखती हूँ नीचे की लाती हूँ। हाँ बढ़िया, थोड़ा भी फ्राई हो गया है। तो चावल जो जीरा राइस बना रही हूँ उसमें घी ऐड करूँगी, घी से बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, करीब हमें 1 टेबल स्पून बस है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग तो डाइट कर रहे हैं, घी पूरा खा रहे हैं। नहीं, दिन में थोड़ा सा खाते हैं, नॉर्मल खाना जो तेल या फिर घी में भी पका लेते ना खाते हैं, पर कम क्वांटिटी में खाते हैं। रात को हम लोग नहीं खाते, रात को हम लोग ये दो दिन से जो पुष्टि और ओट्स खाए थे कल हमने, पर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो बोल रहे हैं ओट्स रात को नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए। सुबह आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, रात को नहीं खाना चाहिए। रात को इसलिए बोल रहे हैं कि एक रोटी और कुछ सब्जी बना लेंगे, सही एकदम तेल कम में कुछ एक सब्जी बना लूँगी और साथ में एक रोटी। तो यहाँ पर मेरा चावल के लिए घी गर्म हो गया है, तो अभी इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून साबुत जीरा। जीरा वैसे जीरा इम्पोर्टेंट है। और एक तेज पत्ता हो गया। और जो चावल को मैंने भिगो के रखा था इसका पानी में फेंक दूंगी, मैं फेस वॉश करने के लिए रखूंगी, उसको नहीं फेंकूंगी, मग में रख लेती हूँ। कभी भी इसको फेंकिए मत, इसको आप टोनर के जैसा या फिर बालों में धोने के टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है बालों के लिए। कोई भी चावल का पानी हो तो चावल को डाल देना। गर्म हो गया है, तब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून जीरा, इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी 1 चीज़ मिर्च और थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा मैं डालूंगी घी जो हमें पसंद है। अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, पर घी डालने से अच्छा रहता है। प्याज को मैं भून लूंगी। सुने इस साइड में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के कुकर को सीटी आने के लिए रख दिया है, तो 2 सीटी लगा लूँगी मैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा
फ्राई हो रहा है, तभी इसमें ऐड करूँगी जो हमने करी को मिक्स करके रखा था दही बेसन उसका घोल कर डालूंगी इसमें मैं। इसको थोड़ा सा अभी उबलाने दूंगी मैं। तो यहाँ पर हमारा करी रेडी है, तो इसमें मैं पकौड़ा डाल दूंगी और इसको एक से दो मिनट के लिए से रखूंगी, उसके बाद ऑफ नहीं करूँगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर तड़का डाल दूंगी, तो एक साइड में तड़का के लिए रेडी कर लूँगी अभी। तो यहाँ पर मेरी तेल गर्म हो गया है तड़काने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा राई डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा जीरा और एक सूखी मिर्च जो मैंने तोड़ लिया है, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च बस। ठीक है, अभी गैस को बंद कर देंगे और इस तड़का को हम इसके ऊपर बहुत ही मज़ेदार और यम्मी बनेगा। मैं नमक टेस्ट कर लूँगी, उसके बाद हमारा करी पकौड़ा बन के रेडी है, तो आपको बताऊँगी मैं रिव्यू कैसा बना है। पर हमारा करी चावल रेडी है, तो इनाया और आयान खाएंगे दोनों और इनके इसके बाद बताएंगे कैसा बना है। कैसा है इनाया? आयान कैसा है? इनाया कैसा है? मज़ा आया? इन दोनों को वैसे ही वेज खाना पसंद नहीं है, नॉन वेज चाहिए, दोनों को चिकन चाहिए, पर इनको पसंद आ रहा है। फर्स्ट टाइम खाया है ना दोनों ने? आयान ने शायद से खाया है पर इनाया ने फर्स्ट टाइम खाया, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही बनाया था, अभी बनाने बहुत सालों से नहीं बनाया था मैंने। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, पर देखती हूँ आज कैसा होता है, बोलते हैं। मेरा गला है बहुत चुरीला, मेरी आवाज बहुत दमदार है, मेरा गाना बहुत चुरीला और नया है। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा सबसे ताकतवर, मेरा गला है बहुत चुरीला, मेरी गला है बहुत चुरीली और मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत चुरीला। मैं हूँ जियान। थैंक यू। तो इन्होंने लिया है अभी ब्रेक, तो अभी है ब्रेक टाइम, तो हम लोग खा रहे हैं ये मुरुकू, क्या बोलते हैं, चुरमुर चकली पर टूट गया है ना, पैकेट में ऐसे ही आया है, ये लेके आए थे। अच्छा है, चावल से बनाता है। और ये जो मैं बेच रहे हैं डोरेमोन, इनाया यहाँ पर बैठी हुई है टेबल पर, आयन यहाँ पर पापा के पास। वैसे तो हम दोनों ने लाइटिंग स्टार्ट कर दिया था, सिर्फ खाने के टाइम लाइटिंग नहीं करते हम लोग, बाकी टाइम लाइटिंग करते पतले हुए हम दोनों बहुत, तो उसके से कमजोरी आ गई। नहीं, रात को हम लोग चावल या फिर रोटी नहीं खाते, अभी मुश्क या फिर ओट्स खाते हैं। दो दिन से नहीं, दिन में भी नॉर्मल ही खाया था, चावल ही खाया था और नॉर्मल क्वांटिटी कम कर दिया है पहले से। तुम्हारे टीचर का फोन आया था और वो बहुत नाराज थे, तुम्हें आज सोशल स्टडीज टेस्ट में जीरो मिला है ना, अगर वो नहीं बताते तो मुझे पता भी नहीं चलता, और ऊपर से सिर्फ पूरी क्लास में तुम्हारे ही जीरो आए हैं। वो दरअसल वहाँ बात ये है कि टेस्ट बहुत मुश्किल था, इसलिए इंग्लिश के टेस्ट में भी तुम्हारे जीरो आए थे, तो क्या वो भी बहुत मुश्किल था? पहले केकेआर, उसके बाद आरसी बी, उसके बाद मुंबई इंडियंस, उसके बाद लास्ट में क्या है, लास्ट Morris, Shanda,
तो आज है आरसीबी और केकेआर का, किसका बैटिंग ऑर्डर है? आरसीबी भी अच्छी नहीं खेली है, लेकिन केकेआर के ऑलरेडी बहुत सारे विकेट जा चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 विकेट जा चुके हैं। होपफुली केकेआर वापस कमबैक करेगा। Tiempo más, no quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más. Más allá, a través de la gran oscuridad, más y más allá. आज का ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लास्ट में देखिए, उन्होंने थोड़ा सा गाना गाया था जो जिम में लगाया था, ना तेरे आने का गम ना तेरे जाने का गम। पर अगर मैं इसमें वो डाल देती हूँ कॉपीराइट आ जाता, तो इसके लिए मैंने नहीं डाला है। आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।